जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डॉक्टर मनोज कुमार के अनुसार विधानसभा आम चुनाव के तहत नामांकन प्रक्रिया के दौरान बुधवार को गन्नौर विधानसभा से 6, राय विधानसभा से 6, खरखौदा विधानसभा से 4, सोनीपत विधानसभा से 1, गोहाना विधानसभा से 6 तथा बड़ौदा विधानसभा से 2 उम्मीदवार ने अपना नामांकन दाखिल करवाया। आज हुए नामांकन के अनुसार गन्नौर विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार देवेंद्र कौशिक व उनके कवरिंग के तौर पर रूमा शर्मा ने अपना नामांकन दर्ज किया। इसके साथ ही जननायक जनता पार्टी से अनिल कुमार, इंडियन नेशनल कांग्रेस से कवरिंग उम्मीदवार के तौर पर चाणक्य पंडित तथा निर्दलीय उम्मीदवार तकदीर व ब्रजेश रानी ने अपना नामांकन दाखिल किया। वही राय विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार कृष्णा गहलावत व उनके कवरिंग उम्मीदवार बलवान सिंह तथा निर्दलीय उम्मीदवार सितेंद्र संदीप कुमार व प्रतीक राजकुमार शर्मा तथा राजकुमार शर्मा ने अपना नामांकन दाखिल करवाया। इसके अलावा खरखौदा विधानसभा से इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार जयवीर सिंह व उनके कवरिंग उम्मीदवार दीपक लोहट, युग तुलसी पार्टी के उम्मीदवार प्रवीण तथा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से प्रीतम खोखर व उनके कवरिंग उम्मीदवार अरुण खोखर ने अपना नामांकन भरा। सोनीपत विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार धर्मबीर ने अपना नामांकन दर्ज करवाया। गोहाना विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार राजबीर सिंह दहिया, निर्मल दहिया, हर्ष छिक्कारा, मोनिका, अरुण कुमार तथा सन्नी ने अपना नामांकन दर्ज करवाया। इसके साथ ही बड़ौदा विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार प्रदीप सिंह सांगवान तथा उनकी कवरिंग उम्मीदवार नीतू ने अपना नामांकन दर्ज करवाया। प्रदीप सांगवान के नामांकन के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली और जिला अध्यक्ष जसवीर दोदवा मौजूद रहे। ज्ञात रहे कि उम्मीदवारों द्वारा नामांकन पत्र गुरुवार 12 सितंबर 2024 तक भरे जा सकते हैं, जबकि शुक्रवार 13 सितंबर 2024 को नामांकन पत्रों की समीक्षा करते हुए छंटनी की जाएगी व सोमवार 16 सितंबर 2024 तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर बहन कृष्णा गहलोत जी ने आज राय विधानसभा से नामांकन किया है और आज हम सब उसमें उपस्थित हुए हैं और राय विधानसभा में बहुत भारी बहुमत के साथ कमल का फूल खिलेगा और कृष्णा गहलोत जी वर्ष 2024 की विधानसभा में हरियाणा सरकार में शामिल रहेंगे। आज कहीं भी पूरी 90 की 90 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सब निष्ठा के साथ पार्टी के साथ लगे हैं और सब पार्टी के फैसले का सभी ने स्वागत किया। जो भारतीय जनता पार्टी में है वो एक भी कार्यकर्ता नाराज नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है उसका मैं कुछ कह नहीं सकता। कांग्रेस कह रही है कि लगातार इस बार जो है भाजपा पूरी तरह से हरियाणा में साफ हो जाएगी। पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी फेल रहेगी और आज कांग्रेस पार्टी को देश की जनता ने नकारा है, उसी का परिणाम है आने वाली सरकार स्पष्ट बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। जगत महान न्यूज के लिए सोनीपत से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।